चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जितने भी वीडियो सामने आए, हर वीडियो लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता गया। रिटर्निंग ऑफिसर की घपलेबाजी सीसीटीवी में कैद हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट हुआ। न्याय की सबसे बड़ी अदालत को भी कहना पड़ा कि हाँ, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो डंके की चोट पर अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है। इकलौता ऐसा देश जिसके मजबूत लोकतंत्र की पूरी दुनिया मिसाल देती है। लेकिन हाल में हुआ चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लोकतंत्र के इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा जिसके लिए भारत जाना जाता है। यहां चुनाव में घपलेबाजी हुई, दिन दहाड़े वोट की लूट की गई, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया और यही सीसीटीवी फुटेज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ मेयर के लिए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मंजूरी दी। इस मंजूरी के साथ ही बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। हालांकि फैसला आने से पहले ही बीजेपी के चंडीगढ़ मेयर ने इस्तीफा दे दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत न्याय के लिए बाध्य है, पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं, लेकिन पीठासीन अधिकारी गलत कार्य के दोषी हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने चुनाव में डाले गए मत पत्रों की जांच की और ये पाया कि 8 बैलेट पेपर वैध थे और ये आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जानबूझकर इन 8 बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को बहाल करे। पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष झूठे स्टेटमेंट पेश करने के लिए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अनिल मसीह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मसीह को 3 हफ्ते का समय दिया गया है ताकि वो इस मामले पर अपना जवाब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल कर सके। पहले भी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत के वीडियो देखकर तो ये साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है। हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र का इस तरह से मजाक बने, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की थी। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और एक यहां के सांसद किरण खेर का वोट भी है, इस तरह से कुल 36 वोट हैं। मेयर चुनाव में जीत के लिए 19 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास अपने 14 पार्षद और एक सांसद को मिलाकर कुल 15 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। अकाली दल के एक पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया था, फिर भी संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नहीं थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की घपलेबाजी ने बीजेपी को वहां पर जीत दिला दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर थे। कुलदीप कुमार को 20 और मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार को मिले 20 में से 8 वोटों को अवैध करार दे दिया और इस तरह से उनके पक्ष में 12 और मनोज सोनकर के 16 वोट हो गए और मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेशक आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया हो, जो न्याय संगत भी है, लेकिन जिस अंकगणित के फेर में ये सब कुछ हुआ, अब वो बीजेपी के पक्ष में चला गया है, क्योंकि आपके 3 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव में अब ये पार्षद किस तरफ वोट करेंगे और चंडीगढ़ के मेयर के लिए अगर वोटिंग की नौबत आती है तो फिर वहां पर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा।
आज तक डिजिटल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।